अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ टीचर ऑफ सुपीरियर मॉडल स्कूल इंडिपे अकेडमी एंड आई डिलीवरिंग माई लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th यूनिट नंबर 1 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज़ माई लेक्चर नंबर 7। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 8। 2x माइनस 3 अंडर रूट प्लस 2x प्लस 4 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 अंडर रूट। लोकेट योर बुक पेज नंबर 19। नाउ दिस इज़ योर बुक पेज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 1.3। कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 किया था, 7 किया था, और मैंने कहा था कि इसको चेक आप खुद करेंगे कि इसमें से कौन सी एक्सटेंशियस और फॉल्स रूट है और कौन सी ट्रू है। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे, एक तरह से आपका होमवर्क है। नाउ राइट डाउन दिस इज़ योर 8 क्वेश्चन। 2x माइनस 3 अंडर रूट, 2x प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13 अंडर रूट फ्रॉम पेज नंबर 19। राइट डाउन दिस ऑन योर नीट कॉपीज। नाउ लुक एट हियर, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। 2x माइनस 3 अंडर रूट प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13 अंडर रूट होल स्क्वेयर। ठीक है, देन इसको हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग खोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये स्क्वेयर लेने से क्या होगा कि रेडिकल साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 अंडर रूट इंटू 2x प्लस 4 इन अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 6x एक्स प्लस 13। ये रेडिकल साइन 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर ये देखें 2x है, ये 2x है और ये है प्लस 2x, तो ये हो गए 4x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ब्रैकेट्स में जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 हमने बाहर लिख दिया, तो 2x इंटू 2x प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4 अंडर रूट इन ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से 4x प्लस 1 को हम राइट साइड पे ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 1, 6x प्लस 13 माइनस 4x माइनस 1। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो हो रहा है 2 इंटू 2 ज़ार 4, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 12 अंडर रूट इन ब्रैकेट विच इज़ इधर क्या है 6x माइनस 4x 2x आ गया प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 12। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पर अब क्या है, लुक एट हियर, यहाँ पर क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x। अब 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 2x और माइनस 12। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यही है कि हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 2। 2 हमने क्या किया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, x प्लस 6। ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 6, 2 कॉमन निकाल के x प्लस 6 आ गया। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, 2x प्लस 6 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, हमारे पास रह गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू x प्लस 6। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 अंडर रूट होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 6 होल स्क्वायर। ये रेडिकल साइन के साथ कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 6, तो 12x प्लस 36, 6 6 36। देन ये वाली तमाम इक्वेशन हम लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर तो ये हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 12x तो ये आ गया माइनस 10x, माइनस 36 माइनस 12 48 के बराबर आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, 3 को जो 48 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है माइनस 144। 2 डिजिट्स हमें चाहिए, एक हमने 18 ले लिया और एक 8, माइनस 18 प्लस 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 144 और माइनस 18 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 10।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आ गया माइनस 44 के हमने ये दो फैक्टर्स बना लिए, 3x² माइनस 18x प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू ज़ीरो, इनमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 और x, तो x माइनस 6 प्लस 8 कॉमन, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x माइनस 6 एंड 3 8 प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर क्या है ये दोनों जो है इक्वल टू ज़ीरो आएंगे।